Assalamu alaikum dear students, I am Imtiaz Ahmed Itu, vocational trainer of IT from Government Higher Secondary School Khul. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इनपुट प्रोसेस आउटपुट IPO साइकिल. आज हम उसी टॉपिक की पहली फंक्शनिंग पढ़ेंगे जो है इनपुट. एंड इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनपुट डिवाइसेस एंड द इनपुट यूनिट फंक्शंस. ओके लेट अस स्टार्ट. सो व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट. कंप्यूटर सिस्टम को डेटा देना, इंस्ट्रक्शंस देनी, उसको हम इनपुट कहते हैं. हम कंप्यूटर सिस्टम उसको देते हैं डेटा. डेटा में भी नंबर्स, इट में भी नेम, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो डेटा है. रफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई नंबर कोई नाम हम देते हैं कंप्यूटर को, डेटा हो गया हमारा. सो यही कंप्यूटर को देना डेटा, या फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देना कंप्यूटर को कि इन नंबर्स के साथ क्या करें. इन नंबर्स की, सपोज इन नंबर्स को सम करना है, डेट इज इंस्ट्रक्शन. सम इज इंस्ट्रक्शन. हम बोलते हैं कंप्यूटर को लेट अस टेक एवरेज ऑफ सम नंबर्स. हमने नंबर्स दिए डेटा एज इनपुट, एंड आफ्टर गिविंग दिस डेटा वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू मेक एवरेज सम एनीथिंग एल्स, डेट्स कॉल इंस्ट्रक्शन. यही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन से डेटा देना, हम इसको इनपुट कहते हैं. नाउ दिस इनपुट इज गिवन टू द कंप्यूटर बाय सम इनपुट डिवाइसेस. हम कंप्यूटर को जो इनपुट देते हैं वो हम देते हैं इनपुट डिवाइसेस से. ये इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस? एनी हार्डवेयर डिवाइस, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस. हार्डवेयर मीन्स फिजिकल, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं. डेट सेंड्स डेटा टू द कंप्यूटर. कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जिसे हम कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं. एंड डेट अलाउज द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड कंट्रोल इट. जो यूजर को मदद करे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में, जो हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है, वो है हमारा इनपुट डिवाइस. द हार्डवेयर डिवाइसेज विच सेंड्स डेटा टू द कंप्यूटर. जो वो डिवाइसेज जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा सेंड करते हैं और जो मदद करते हैं हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में. हम अगर हमें कंप्यूटर को से कुछ इंटरेक्ट करना है, हमें कुछ इनपुट देना है, तो हम इनपुट देते हैं विद सम इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड. हम कीबोर्ड से इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर के साथ. डैट मीन्स विच इट अलाउज अस, कीबोर्ड अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर. ओके लेट अस take example of some input devices. Some of the input devices are mouse, most commonly used input device. Mouse hai hamara. It is used to draw pictures, to draw shapes. It is a pointing device. Mouse hamara input device hai. Hum computer ko yahan se kuch dete hain mouse se, like drawing. Keyboard hamara dusra device keyboard hai, jise hum type karte hain letters. ये भी एक इनपुट डिवाइस है. स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस है, जिसे हम फोटो कॉपी स्कैन करते हैं या डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, वो जाता है कंप्यूटर को एज इनपुट. डिजिटल कैमरा, इट्स अनदर इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कैप्चर द इमेजेस पिक्चर्स, जिसे हम इमेजेस पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, फिर वो इमेजेस कैप्चर करने के बाद हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं. वेब कैमरा, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, विच इज यूज्ड इन वेब चैटिंग, इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये हमारा यूज़ होता है वेब कैमरा, ये भी एक इनपुट डिवाइस है. जॉयस्टिक्स, जो गेम्स प्ले करने में मदद करते हैं, जिसे हम गेम्स खेलते हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं जॉयस्टिक से, वो भी हम कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को. कंप्यूटर सिस्टम में जो हम गेम खेल रहे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जॉयस्टिक से, डेट इज इनपुट डिवाइस. द अदर इनपुट, फोन माइक्रोफोन मीन्स, या जिसे हम माइक भी बोलते हैं, जिसे हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ये भी हमारा इनपुट है. दिस वॉइस गोज इनपुट टू द कंप्यूटर, ये वॉइस कंप्यूटर को इनपुट जाती है हमारी. एंड टच पैड, जो आपके लैपटॉप्स का टच पैड होता है या आपके फ़ोन का टच पैड होता है, स्क्रीन पे टच पैड भी होता है, वो स्क्रीन डिस्प्ले भी करता है हमें इंफॉर्मेशन, एंड उसमें टच पैड भी लगा होता है जो यहाँ से इनपुट लेता है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं लाइक लैपटॉप की, लैपटॉप पे जो है टच पैड होता है, वो तो कम आप देख रहे होते हैं, वो इनपुट डिवाइस है, जिससे हम जिस पे हम फिंगर स्लाइड करते हैं एंड द कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन पे कर्सर मूव होता है, डेट इज इनपुट डिवाइस.
एंड सेम इन मोबाइल फोन्स, हम मोबाइल फोन पे कुछ नंबर टाइप कर रहे होते हैं, हम टच पैड को टच करते हैं, लाइक 1 2 3, हमने टच किया 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 आ गया, सिग्निफिकेंट, दैट इज टच पैड इज इनपुट डिवाइस। वैसे हमारा बार कोड रीडर है विच इज़ यूज्ड टू स्कैन द बार कोड, जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ पे एक बार कोड लगा होता है आपके प्रोडक्ट्स पे, आप अपनी कॉपी उठा के देखिए वहाँ पे भी एक बार कोड लगा होगा। अगर आप हम वो स्कैन करेंगे, वो हम स्कैन करते हैं बार कोड रीडर से, वो बार कोड रीडर हमारा एक इनपुट डिवाइस है, उस बार कोड से हमारी इंफॉर्मेशन जाती है कंप्यूटर सिस्टम में, डेट इज़ ऑल्सो इनपुट डिवाइस। ओके, क्या है इनपुट डिवाइस की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इनपुट यूनिट? द फर्स्ट फंक्शन इज इट एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। पहले जो फंक्शन है इस इनपुट की, लाइक हमारा यहाँ पे कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, ये डेटा लेता है और इंस्ट्रक्शन लेता है यूजर से। यूजर को अगर कुछ टाइप करना होता है या कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, इनपुट यूनिट ही ये इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करता है। ओके, डैट मीन्स इट एक्सेप्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, यूजर से ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन लेता है। ये पहली फंक्शन है इनपुट यूनिट की। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट इज इट कन्वर्ट दीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, बाद में ये कन्वर्ट करता है यही डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज फॉर्म। फिर ये इस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है ताकि वो कंप्यूटर समझ सके, कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता है, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट इज इट सप्लाई द कन्वर्टेड डेटा, फिर ये कन्वर्टेड डेटा सप्लाई करता है कंप्यूटर सिस्टम को एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। ये सप्लाई करता है ये कन्वर्टेड डेटा, जो हमने डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को, वो ये सप्लाई करता है कंप्यूटर को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए। लेट्स टेक एग्जांपल, हमने इनपुट दिया यहाँ से, इट एक्सेप्ट्स वॉइस, माइक्रोफोन एक इनपुट यूनिट है, ये एक्सेप्ट करता है वॉइस, ये हमारी वॉइस लेता है। कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द वॉइस, वो हमारी वॉइस नहीं समझ सकता ना, तो फिर ये माइक्रोफोन इसको कन्वर्ट करता है इनटू सिग्नल्स, तो कंप्यूटर सिग्नल समझता है। तो जब ये इनपुट डिवाइस इसने एक्सेप्ट लिया, हमारे से वॉइस ली, हमने कुछ वॉइस रिकॉर्ड की, फिर वो वॉइस कन्वर्ट हो गई, एंड आफ्टर कन्वर्ट ये सप्लाई चाहती है कंप्यूटर सिस्टम को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फिर हमें उसके साथ क्या करना होगा, एडिट करना होगा या कुछ करना होगा। ओके, थैंक्स फॉर पेटेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग, स्टे होम स्टे सेफ।